नमस्कार, मैं हूँ अर्पिता आर्य। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल उत्तर प्रदेश में पसमांदा मुस्लिम वोट को लेकर मचे सियासी घमासान पर है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, 4 मई को पहले और 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग है और इस चुनाव में बीजेपी ने पहली बार एक बड़ा प्रयोग किया है। बीजेपी की ओर से इस बार कुल 395 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं और इनमें भी 90% मुस्लिम उम्मीदवार पसमांदा समाज के हैं। ये जानते हुए भी कि पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी में 34 में से 32 विधायक समाजवादी पार्टी के ही जीते थे, बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर ये दांव आजमाया है और इसका बड़ा कारण ये भी है कि बीएसपी जैसे दलों के साथ भी पसमांदा मुस्लिम वोट जुड़ा हुआ है और इस बार बीएसपी ने 17 में से 11 नगर निगमों पर मुसलमान मेयर कैंडिडेट उतारे हैं। मतलब ये है कि यूपी में इस बार के स्थानीय चुनाव में पसमांदा मुस्लिम वोट के लिए जबरदस्त टक्कर हो रही है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के दांव को राजनीतिक छलावा कहा तो बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के छलावे से अब मुसलमानों का मोहभंग हो चुका है और बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। वैसे पिछली बार भी बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव में 187 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे जिसमें सिर्फ 2 को ही जीत मिली। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बड़े पैमाने पर मुसलमानों को टिकट देकर बीजेपी 2024 के लिए चुनावी प्रयोग कर रही है? क्या मोदी योगी के विकास मॉडल पर भरोसा करके पसमांदा मुसलमान बीजेपी को वोट करेंगे? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव की चहल पहल जोरों पर है। जनता को कहीं बीजेपी एसपी के चुनावी गानों का शोर है तो कहीं रामपुरी चाकू के शहर में कलम के नाम का चुनावी जोर है। हम अपना झंडा लहराएंगे। यूपी को जिसने लूटा वो नेता तुम ही तो थे, जेपी के सपने तोड़ दे वो बेटा तुम ही तो थे। एक बार फिर से आके टोटी चुराइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। कहीं कार्टून के जरिए चुनावी सीजन का सियासी वार है, कहीं माफिया पर बुलडोजर तो कहीं योगी के नाम की चुनावी बहार है। और इस पूरी चुनावी जोर आजमाइश में बीजेपी की एक बड़ी चुनावी चाल की चर्चा है। बीजेपी ने 2024 में मिशन 80 का लक्ष्य पाने के लिए 2023 के स्थानीय निकाय चुनाव में बना डाला है प्लान पसमांदा। योगी आदित्यनाथ के राज में पहली बार बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनावों में मुस्लिम वोटों पर पकड़ बनाने के लिए बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में 350 से ज्यादा पसमांदा मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला है। बीजेपी ने नगर निगम से लेकर नगर पालिका और नगर पंचायतों में सदस्यों और पार्षदों से लेकर मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष पद तक पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें वाराणसी, गोरखपुर से लेकर लखनऊ, झांसी, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा नगर निगम में भी बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें भी हमने चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे पार्षद हो, चाहे सभासद हो, इसमें सीधे मुस्लिम समाज के भाइयों को, साथियों को टिकट देके ये बताया स्पष्ट रूप से कि सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए काम करती है। और ये तमाम लोग जो बड़ी बड़ी नगर पालिका ऐसी है जहां पे हमने मुस्लिम समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया है और निश्चित तौर पे वो समाज का वोट लेके जीतेंगे। दरअसल बीजेपी को पहली बार पसमांदा मुसलमानों को मुख्य धारा में शामिल करने का दांव सूझा है तो उसके पीछे 2024 की तैयारी मानी जा रही है। कारण यह है कि मुस्लिम आबादी करीब 20% है। विधानसभा चुनाव में करीब 85 सीटें ऐसी थीं जिनमें मुस्लिमों की जनसंख्या 25 से 50% तक है, जबकि 60 अन्य सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 25% के बीच है। 145 सीटों पर मुस्लिम वोटर की ताकत का नतीजा ये रहा कि समाजवादी पार्टी ने 64 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर 32 सीटें जीत ली, जबकि मायावती ने 88 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और एक भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए इस वक्त कुछ भी करना चाहती है। मुसलमानों को चाहे पार्षद में टिकट देने की बात हो,
चाहे प्रधानमंत्री का भारत के चर्चों में जाने की बात हो, लेकिन पूरा देश ये जानता है कि इस मुल्क में माइनॉरिटीज जो हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, वो सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी आज हताश है, निराश है, घबराई हुई है, क्योंकि उन्होंने जिस मुसलमान समाज को हमेशा बरगलाए रखा और गुमराह करके अपने पक्ष में रखने की हमेशा कोशिश की, वो मुस्लिम समाज अब समाजवादी पार्टी से उसने दूरी बना ली है। अभी हम नगर पंचायत नगर पालिकाओं में दे रहे हैं तो भी कहेंगे मेयर में क्यों नहीं दिया, जब मेयर में देंगे तो कहेंगे विधायक सांसद में क्यों नहीं दिया। तो समाजवादी पार्टी तो केवल आरोपवादी पार्टी है। वैसे यूपी के स्थानीय निकाय चुनावों में मुस्लिम वोट अब तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के बीच बढ़ता रहा है, लेकिन इन दिनों हैदराबादी सियासत भी लखनऊ का रुख कर रही है। ऐसे में पसमांदा वोट की अहमियत का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि मायावती ने स्थानीय निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों में से 11 नगर निगमों में मेयर पद पर ही मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में मुस्लिम वोट के लिए मचे घमासान का ऐसा असर है कि 75 साल की उम्र, 4 दशक की सियासत के बावजूद आजम खान को मुस्लिम वोट के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। हमारी हैसियत क्या है, ठीक मांगने वाले की है, उससे ज्यादा क्या है, भिखारी क्यों है, कोई हाथ में वोट रख देता है, कोई डोट रख देता है, कोई थूक देता है, कोई अंगारा रख देता है। आजम खान जैसे समाजवादी पार्टी के नेता रामपुर जैसी जगह और आजम वोट के लिए विक्षाटन के लिए मजबूर हों तो इस चुनाव में मुस्लिम वोटों पर लगी उम्मीद और रिस्क दोनों साफ नजर आते हैं। आजमगढ़ में जो मुबारकपुर नगर पालिका, इतनी बड़ी नगर पालिका है, वहां पे एक आम पासमानदा मुस्लिम समाज की महिला को हमने टिकट देने का काम किया। अम्बेडकर नगर में राजे सुल्तानपुर जो नगर पंचायत है, वहां पासमानदा समाज के एक नौजवान को टिकट देने का काम किया। हमने तो मुस्लिम समाज के यंग लीडरशिप, मुस्लिम समाज की वुमेन लीडरशिप, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। इस बार का स्थानीय निकाय चुनाव बीजेपी के मिशन 2024 के लिए लिटमस टेस्ट से कम नहीं होगा। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने इस चुनाव में 17 में से 14 नगर निगमों में मेयर पद का प्रत्याशी नया उतारा है और बड़े पैमाने पर मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे हैं। रामपुर से आमिर खान और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। राजेश चौधरी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश बीजेपी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमीक जमाई प्रवक्ता एसपी के, समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम पार्टी के हैं हमारे साथ। परवेज हनीफ अध्यक्ष एआईपीएमएम के हैं। विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन दंगल में चर्चा शुरू करने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का बयान आपको सुनवा देते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि इस बार के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी किन दो सबसे बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। पहले नगरीय क्षेत्रों में सौदों का आतंक होता था, आज सेफ सिटी बन रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूं, ये जो कुछ भी हम करने में सफल हुए, व्यापारियों से पहले रंगदारी वसूली होती थी, पेशेवर माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था, आज कोई अपराधी और माफिया सीना तान करके चल पाएगा क्या? आज हिम्मत कर पाएगा क्या? गले में तख्ती लटका करके चलता है सिर झुका करके, और थोड़ा सा सिर ऊपर हुआ नहीं कि अगले एक डबल इंजन की सरकार सबका साथ सबके विकास के साथ सबके विश्वास को और सबके प्रयास को लेकर के चल रही है। हमने तुष्टीकरण नहीं, हमने सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है, बिना भेदभाव के सबका सशक्तिकरण। क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य, और उसी के लिए आज मैं आया हूं। राजेश चौधरी जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ही, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तुष्टीकरण के लिए नहीं, सशक्तिकरण पर हमारा जोर है। इससे पहले विधानसभा लोकसभा में कितनी टिकट दी आपने मुसलमानों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यशैली है और अपने कार्यकर्ताओं में जो जिताऊ और तो होता है उसको टिकट देते हैं। सर्वे होता है, देखते हैं कार्यकर्ता विजयी हो सकता है, जहां उपयोगी लगता है करते हैं,
अब नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, जो जो हमारे कार्यकर्ता जो जो हमारे नेता जीतने के काबिल थे वो अपने करके चुनाव मैदान में उतारा है। पर विधानसभा की बात करें तो बिना चुनाव लड़ाई हमने तो अभी आप जिनका बयान दिखा रही थी दानिश अंसारी जी, उनको तो मंत्री बनाया है, एमएलसी बनाया है, पहले से दो दो तीन तीन एमएलसी है हमारी पार्टी के अंदर। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सभी को साथ लेकर के चलती है। ना हम धर्म की बाात करते हैं, ना जाति की बात करते हैं, ना क्षेत्र की बात करते हैं। लोकसभा विधानसभा में कितनी सीटें आप मुसलमानों को देते हैं ये बताइए, क्योंकि अभी आप 395 पहली बार मुस्लिम जो है आपने कैंडिडेट उतारे, तो ये उधर क्यों नहीं, वो उस समय जिताऊ नहीं होते हैं, इन चुनावों में जिताऊ होने लगते हैं लोकल बॉडीज में क्यों? देखिए लोकल बॉडी का एक अलग प्रकार का चुनाव होता है, वहाँ अपना व्यक्तिगत प्रभाव भी रहता है, पार्टी की नीतियां भी रहती हैं, सरकार के काम भी रहते हैं, सारा सब मिलाकर के सफलता की ओर आदमी बढ़ता है। और विधानसभा लोकसभा के चुनाव के अलग तरह के मुद्दे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम विधानसभा या लोकसभा में मुसलमान नहीं उतारेंगे या उतारेंगे। सरकार बनानी है तो जिताऊ उम्मीदवार को हर पार्टी उतारती है, कौन मजबूत रहेगा जनता में जाकर के, किसका प्रभाव है, कौन जनता के बीच रहकर के काम करता है, सारी चीजों का आकलन करने के बाद हम लोग उम्मीदवार उतारते हैं। 187 टिकट आप देते हैं पिछली बार, उसमें से दो ही जीतते हैं केवल, उसके बाद ये आंकड़ा पिछली बार से सीख के 395 हो जाता है, ये कैसे जिताऊ कैंडिडेट? देखिए लोगों ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम समाज के लोग जुड़ रहे हैं, और आप देखोगे जितने भी मुसलमान की नुमाइंदगी करने वाले नेता है ना, उन्होंने पसमांदा समाज को जो प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जितनी संख्या उनकी है वो कहाँ इतना आ पा रहे हैं। एक वर्ग विशेष के लोग जैसे हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम करते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटने का काम करते हैं, ऐसे वहां भी जाति का समीकरण है, तो सब भारतीय है ना, तो सब अभी अभी जो जाति बातें कह रहे हैं, मैंने सिर्फ मुस्लिम बोला, तो दो तीन जातियां बता दिया कि पसमांदा, मैंने तो जिक्र नहीं किया पसमांदा का, अभी आप कह रहे हैं कि बांटने की कोशिश हो रही है, मैं मुस्लिम की बात कर रही हूँ, आप उसमें पसमांदा का नाम जोड़ दे रहे हैं, तो बांट कौन रहा है सर? मैंने नहीं जोड़ा, आप ही जोड़ रही हैं। मैंने मुस्लिम बोला सर, मैंने कहा 187 टिकट दिए, पसमांदा है तो उनको उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, किसी समाज के साथ मान लो अन्याय हो रहा है और वो जिताऊ उम्मीदवार है, उसको हम लोग चुनाव मैदान में उतार करके विजयी बना करके लाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, पार्टी का हमारा वर्कर है तो उसे जिताएंगे। ठीक है अमीक जमाई, वो कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलना, उनका तो शुरू से नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, और इसलिए दे रहे हैं वो टिकट। अर्पिता, भारत के संविधान में जो बेसिक प्रीएम्बल है, उसके बाद मंडल कमीशन का जमाना आया, जब माननीय नेताजी ने वो सभी जो शोषित कमजोर वंचित तबके बैकवर्ड पसमांदा समाज के लोग थे, कैसे वो अगली कतार में आ जाएं जो पीछे रह गए, तो समाजवादी आंदोलन ने कमजोर तबकों को 27% का आरक्षण मंडल कमीशन के जरिए देने का काम किया, जिसकी वजह से शिक्षा में नौकरियों में आज जो पसमांदा हैं वो आज ऑफिसर बने हैं, जो कप्तान बने हैं जो आज यहाँ पर हैं। लेकिन चौधरी साहब की जो पार्टी है, देखिए ये मुसलमानों को बेसिकली नाली नापदान का जो चुनाव है ये इसी लायक समझते हैं पसमांदा समाज के लोगों को? क्या वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के एक फुल फ्लेज मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है? देश की सरकार जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, एक मुसलमान माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर नहीं है? नकवी साहब अच्छे खासे थे, उनका छुट्टी कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि ये जो विश्वास वाली बात है ना, ये विश्वास दिखता नहीं है। जैसे समाजवादी आंदोलन कृषक जातियों से पिछड़े समाज के लोगों से बना, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा उन सभी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, कहीं से वोट कम आए ज्यादा आए, समाज वोट नहीं होता है, समाज को साथ में लेके चलना, उसको साथ में मर्ज करना, उसको साथ में सिखाना कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो हम सबको वोट सबको टिकट देते हैं, मंत्री बनाते थे, कैबिनेट बनाते थे, एमएलसी बनाते थे, राज्यसभा बनाते थे, लेकिन बीजेपी आरएसएस की जो पॉलिटिक्स है वो एक तो प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहते हैं, विधानसभाओं में डायरेक्ट आप पूछिए एक एमएलए टिकट नहीं देते हैं, एक कैबिनेट में लोकसभा का टिकट नहीं देते हैं। तो जितनी उत्तर प्रदेश में माननीय नेताजी के जमाने से पसमांदा समाज, अर्पिता आपको हैरत होगी कि जितना भी हमारा एमएसएमई सेक्टर है ना उत्तर प्रदेश का, ये जो साड़ियां बनती हैं मऊ में, भदोही में कारपेट बनता है, कानपुर में लेदर इंडस्ट्री है, शूज बनते हैं वहां पे,
आप आगरा आ जाओ, आगरा की इंडस्ट्री है, फिरोजाबाद का चूड़ी इंडस्ट्री है, इन सब में पसमानदा की मेहनतकश ताकत से हमारा एमएसएमई योगी जी का दुनिया में नाम होता है। लेकिन सारे धंधे जीएसटी नोटबंदी करके बर्बाद कर दिए गए। आप पूछिए जो हमारे एआईपीएम के दोस्त बैठे हैं, ये बताएंगे कि मऊ मुबारकपुर में नेताजी ने बिजली फ्लैट रेट पे कर दी थी, बुनकर समाज के लिए बिजली कमर्शियल कर दी गई, धागे के लिए जो यूपी का मिलता था, जहां से पसमानदा का रोजी रोटी का सवाल है जिसको नेताजी ने खड़ा किया, इन्होंने यूपी का खत्म करके अब चाइना से धागा आता है। सोचिए अर्पिता, कि जो बेटियां हमारी हिंदू बेटियां जो उम्मीद रखती हैं कि वो साड़ी पहनेंगी बनारसी साड़ियां, अब बुनकरों को कुछ नहीं मिल रहा, उनकी रोजी रोटी का जो साधन था बीजेपी आरएसएस ने खत्म कर दिया। लेकिन अमित जी, ये होता है ना, कोई राजनेता अगर किसी भी जाति का हो, कहीं से अगर वो जीत कर आता है तो वो उधर विकास ले जाता है। अब इस बात का आप स्वागत करेंगे कि बीजेपी ने चलिए कम से कम 395 पहली बार मुस्लिम कैंडिडेट उतारे? नहीं, हमारा ये कहना है अर्पिता कि आप पार्षद के चुनाव क्या होते हैं, पार्षद बेचारा नाली नापदान सही करता है मोहल्ले की। हमारा ये कहना है कि आप मुसलमानों को क्या भारत का नागरिक अगर समझते हैं? एक कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान क्यों नहीं है? दानिश आजाद अंसारी का जो मिनिस्टर है वो माइनॉरिटी से नहीं है, हम कह रहे हैं सिख बना दो, ईसाई बना दो, जैन बना दो, हमें उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि मुसलमानों को आप टॉप पोस्ट नहीं देना चाहते हो, वो आपकी इमेजिनेशन में नहीं है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की इमेजिनेशन का पार्टी नहीं है, इसलिए आप नाली नापदान का के लायक मुसलमानों को समझते हैं। तो आपने पसमानदा को जल्दी से आपका छोटा सा रिएक्शन इसमें। देखिए, इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो केवल मुसलमानों में भय पैदा करके रखना चाहते हैं। जब टिकट नहीं दिया तो ये समस्या हो गई कि टिकट नहीं, गलत क्या कह रहे हैं वो, ये कह रहे हैं ना कि आपने क्या भागीदारी बनाई है। आप आज अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं लेकिन उससे पहले कोई भागीदारी ऐसी दिख नहीं रही, वो सवाल ये पूछ रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए सर। बिना टिकट के हम तो मिनिस्टर बना दे रहे हैं ना, उसके लिए प्रशंसा इनको करनी चाहिए कि आपने एमएलसी बनाया, एमएलसी भी नहीं थे, उससे पहले हमने मंत्री बनाने का काम किया था, इन्होंने एक शब्द उसकी प्रशंसा में कहा कि आपने चलिए पसमानदा समाज के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने सुनी, ये तो सुनते नहीं है। इनके यहाँ तो एक वर्ग विशेष है, 3-4 जाति के लोग हैं वो काबिज रहते हैं, बाकी जो नीचे के लोग हैं दबे कुचले जिनके बुनकर की ये बात कर रहे हैं उनका कभी हिस्सा नहीं देते। आप बताओ ना कितने बुनकरों को आपने राज्यसभा में भेजा है, आप बताओ ना कितने को आपने लोकसभा के अंदर भेजा है, केवल भारतीय जनता पार्टी का भय दिखा करके और केवल और केवल वोट हासिल करना। ठीक है, आप भी सरकार में रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, आप कह रहे हो दबे कुचले, तो आपने क्या किया था? हम तो मानते हैं, चलो हमसे हो सकता है ज्यादा हुआ हो, कम हुआ होगा, आप तो बिल्कुल उन्हीं के वोट में सरकार बनाते हो, आपने क्या किया था जी? आप कुछ करके गए? केवल वोट के लिए इस्तेमाल करोगे उनको? हमने शिक्षा में नौकरियों में पसमानदा को 27% का आरक्षण दिया, आप पढ़ाई नहीं पाए उनको, आज उनको आप पढ़ाई शिक्षा नहीं दे पाए, नौकरी तो तब देंगे। कोई नहीं कर सकता, मुसलमानों का असली दोहन तो आपके माननीय नेताजी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी का भय दिखा के खा जाएंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बहुत उस तरह के। आरक्षण खत्म करोगे बैकवर्ड मुसलमानों का, पसमानदा का, तो हम बोलेंगे ना, गुंडागर्दी करोगे केवल समाजवादी पार्टी के लोग, भ्रष्टाचार करोगे केवल, बलात्कारियों के बारे में ये कहोगे तो उनसे गलती हो जाती है, लंबी लिस्ट है ना, आतंकवादियों से केस वापस लेने का काम करोगे, क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए आतंकवादियों का हमारे संकट मोचन मंदिर पे हमला होता है, और उस हमले में जो आतंकवादी थे उनके मुकदमे वापस लेने का काम करोगे, आप अतीक अहमद जैसे दुराचारी को, हत्यारे को, जिसने गरीब मासूम मुसलमानों को भी हिंदुओं को भी कुचला, गोलियों से लूट दिया, उसके मुकदमे वापस लेने का काम करोगे, ये आपकी नीतियां हैं, हमारी नीतियां नहीं है। हम अपराधी को अपराधी समझते हैं, हम अपराधी को सजा दिलवाने का काम करते हैं। मैं आप दोनों को नहीं एक एक करके आप लोग बोल नहीं रहे, ठीक है, एक सेकंड में जरा परवेज हनीफ जी का भी रुख करना चाहूंगी। परवेज हनीफ जी, कब आपको लगता है यहाँ पे आपने क्या किया, हमने क्या किया, इसी पर लड़ाई आकर रुक जाती है? बीजेपी समाजवादी पार्टी को कोस रही, समाजवादी पार्टी बीजेपी को कोस रही कि आप अब नहीं कर रहे, उन्होंने कहा आपने तब नहीं किया। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है, किसके समय ज्यादा स्थितियां बेहतर दिख रही है? देखिए, ये पसमानदा समाज को जो इस बार टिकट में बीजेपी ने जो आगे बढ़ाया है, इससे चीज तो बड़ा साफ है कि
इस हमाम में कुछ ऐसे सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को कहती है, चलिए एक बार फिर से, आपकी आवाज नहीं ठीक ढंग से आ पा रही है, एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगी आपसे नेटवर्क ठीक करवा के आपसे बात करूं ताकि बेहतर तरीके से आपकी आवाज आ पाए। ठीक है, वारिस पठान भी हमारे साथ हैं और विशाल मिश्रा भी हैं। वारिस पठान, जो बीजेपी का ये कदम है, 395 पहली बार मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये बीजेपी की कतनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है अर्पिता जी। ये लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। अभी ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मगर वहां पर ही अमित शाह जाते हैं कर्नाटका चुनाव के पहले मुसलमान जो ओबीसी बैकवर्ड कैटेगरी का था उसका रिजर्वेशन खत्म कर दिया। तेलंगाना में अमित शाह जाकर बोलते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर देंगे। हालांकि सत्ता में तो आने वाले नहीं है, मगर फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि रिजर्वेशन जो होता है वो रिलीजन की बुनियाद पे ना दिया गया है ना संविधान के अंदर उसका हुआ, मांगा ही नहीं है रिलीजन की बुनियाद के ऊपर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन तो कमिटीज के जो रिपोर्ट है, चाहे मंडल कमीशन हो, कृष्णन कमीशन हो, सुधीर कमीशन का जो रिपोर्ट आया था, जो बताता है कि मुसलमानों में जो ओबीसी वर्ग है पासवानदा वो पिछड़ा हुआ है, वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो रिजर्वेशन दिया था। मगर ये लोग को तो चाहते ही नहीं है कि मुसलमान का एम्पावरमेंट हो। अगर एम्पावरमेंट आपको करना है तो आप लोग पोलिटिकल एम्पावरमेंट से भी शुरू करना चाहिए था। कितनों को आपने विधानसभा का चुनाव टिकट दे दिया था बताइए, चलिए बीजेपी वालों ने, कितनों को आज कैबिनेट के अंदर एक भी बीजेपी का मंत्री मुसलमान है क्या बताओ मेरे को? अरे मुसलमान इस देश का हिस्सा है, सेक्युलरिज्म की फिर क्यों बात करने का? हाँ सही बात है, आप तो संविधान डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म को मानते ही नहीं है। अब आपके यूपी की बात कर रहा हूं, यूपी में आपने बता दिया 395 लोगों को सीट टिकट दे दिया, कितने हजार कैंडिडेट खड़े हुए यूपी के चुनाव के अंदर आपको पता है? ये जो निकाय चुनाव आया है लोकल बॉडीज के अंदर हजारों के हिसाब से अगर परसेंटेज वाइज आप देखेंगे ना अर्पिता जी, तो मैं समझता हूं कि 0.01% भी नहीं है लोगों ने दिया है। तो क्या साबित करना चाहते हैं ये कि नहीं हमने देखिए एक दे दिया तुमको, लो शोशा पकड़ लो? अरे ये नहीं होता। आपको जब तक मुसलमानों को आप मेन स्ट्रीम में नहीं लाओगे तो मुसलमान आगे कैसा पढ़ेगा? मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, या समाजवादी के भी बैठे हैं जमाई साहब, मैं इनको भी घेरूंगा। समाजवादी के राज में आजम खान साहब थे, उनका बेटा था, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या किया समाजवादी ने मुसलमानों के लिए बताइए आप मुझे? अरे इनको तो मुसलमानों का नाम लेने से नफरत है। अगर हमने खास बातचीत की, वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं? तो एक बार वो रिएक्शन भी अखिलेश यादव का सुनवाएंगे, उसकी भी कोशिश करेंगे। इन वारिस पठान जो आप कह रहे थे, जरा मुझे ये बताइए एआईएमआईएम पार्टी ने कितने कैंडिडेट उतारे थे, उसमें कितने हिंदू थे? बिल्कुल आप तो देख लीजिए, हमने कर्नाटका के अंदर का भी मैं आपको बताता चलूंगा, हमने सिर्फ 3 कैंडिडेट को उतारे, उसके अंदर एक को सपोर्ट कर रहे हो, 2 जो है हम नॉन मुस्लिम हमारे भाई बहनों को टिकट दिया है, 2 भाइयों को टिकट दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर आप चलिए मेरे साथ, आपको दिखा देता हूं, मैं कल खुद जाने वाला हूं, कितने हमने नॉन मुस्लिमों को टिकट दिया है, कितने हमारे दलित भाइयों को टिकट दिया, ये भी आपको सबको पता चल जाएगा। मगर हम इन लोगों की तरह ये गलत बयानबाजी नहीं करते, सबका साथ सबका विकास कब होगा चलिए बताइए ना, किस तरह से आप विश्वास हासिल करेंगे जब आप मुसलमानों को पढ़ने ही नहीं दोगे? 78 में से कितने आपने उम्मीदवार जी बिल्कुल प्रवक्ता मैं तो आपको बता रहा हूं, कितने आपने मुस्लिमों को दिए ये बताइए मुझे। पिछली बार देखिए, अगर हमने 75 लोग, हम तो लड़ी रहे लिमिटेड सीट के ऊपर अर्पिता जी, हम तो लड़ी रहे लिमिटेड सीट के ऊपर, हम तकरीबन 60 से 65 की सीट पे लड़ रहे हैं, जिसमें हमने 15 से ज्यादा हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को टिकट दिया है। एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास मोबाइल के अंदर मैं देख रहा हूँ ना, ये अपना ये चालू है, तो मैं आपको उसमें से निकाल के बता सकता था एग्जैक्ट आंकड़ा कितना है। भैया बताने का बात ये अर्पिता जी की बीजेपी सत्ता में, योगी की सत्ता में, मुसलमानों के प्रति इस बार के याद ना पिछले याद, अरे सुनिए जो याद होगा उस पर बात कर लेते हैं। कुछ हिंदुओं को दिया हो तो नहीं, पिछली बार हमने दिया था, अरे हमारे पंडित गामा साहब को दिया, पिछली बार हमने तकरीबन अभी दिया, हमने मोर देन 20% हमारी जो अगर पार्टी का परसेंटेज है उसमें से टिकट दिया है,
मोर देन उससे दिया है टिकट, मगर यहाँ तो बीजेपी तो 1% को भी टिकट नहीं दिए। समाजवादी की बात कर रहा हूँ, कितने मुसलमान लगा दिया जाता है यहाँ पर, तो धक्के मार के आजम खान का पुरसा ने हाल नहीं, उनके बेटे का पुरसा ने हाल नहीं है। सुनिए बात करेंगे लगातार बोल के सवालों से थोड़ी, अरे नहीं नहीं, 1% तो दो उसमें से नहीं, एक मिनट, आप जब बोलते हो ना अर्पिता जी, जब ये लोग बोलते हैं ना कि मुसलमान सबका साथ सबका विकास, मोदी जी बोलते जाइए पासवानदा मुसलमानों के पास, उनको नजदीक लाइए, उनसे गले मिल लीजिए, उनको प्लेटफॉर्म दीजिए, तो फिर आप उनका रिजर्वेशन क्यों छीन लेते हो? चलिए बताइए, एक ही दिन सवाल के मोदी जी कुछ बोलते हैं, दो दिन बाद अमित शाह जाके रिजर्वेशन रिजर्वेशन कर देंगे। अरे क्यों, ठीक है ना, सुनिए तो मैं सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी आप क्या चाहते हो मेरे से पूछना, सवाल पूछिए ना, क्या सवाल है आपका? ये मैं चौथी बार रिपीट कर रही हूँ, आप पहले सुनेंगे तब तो पता चलेगा मैंने क्या पूछा। 14 हमने 14 हिंदुओं को टिकट दिया है, ये देख लीजिए मेरे पास आंकड़ा है, बताइए बीजेपी ने कितनों को दे दिया, नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं, 14 को दिया बीजेपी ने, कितने को दे दिया टिकट? हम तो लड़ी रहे लिमिटेड पे, मुस्लिम कितने हाँ, थे सर? मगर बीजेपी तो 14,600 के ऊपर लड़ रही है ना, कितनों को दे दिया? 395 आप 14 का आंकड़ा दे रहे हैं, वो 395 अगर सीधे तौर पे कितने हजारों में से, अरे तो पर हम तो लड़ भी, अरे मैडम हम तो लड़ भी रहे सिर्फ 42 सीट के ऊपर, हम तो लड़ भी रहे सिर्फ 42 में, ये लोग तो लड़ रहे 14,000 के ऊपर, थोड़ी इतने पे लड़ रहे हैं, ठीक है, हजारों के अंदर 395 क्या है, और सोचिए कि हमने कितनों को दिया है, बढ़ाया बीजेपी ने, इसको तो कहिए ना कि कदम बढ़ाया, धीरे धीरे हो सकता है नीचे से ऊपर तक सुधार हो। अरे बीजेपी का बोलने और करने में बहुत फर्क है, आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि आज कैबिनेट के अंदर एक भी मुसलमान मंत्री क्यों नहीं है? हाँ। क्या इस देश के अंदर कोई ऐसा सक्षम मुसलमान है नहीं जिसको कैबिनेट मंत्री बना सके? मुख्तार अब्बास नकवी चलेगा, उसके बाद किसको बनाया? बीजेपी में विधानसभा का, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आया था ना अर्पिता जी, कितनों को टिकट दे दिया उन्होंने विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों को? चलिए बताइए, एक को भी नहीं। तो अभी लिपा पोती जो करके दिखाना चाहते ना, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जाइए पहले मुसलमानों का अपॉइंटमेंट, नफरत तो निकाल दीजिए, इनको हमारे खाने पीने से नफरत, इनको हमारी आजादी बड़े पद दे दिए, ठीक है, हमारे कपड़ों से नफरत, हर चीज से नफरत फैलाओगे और पीड़ा के लिए सीधा जवाब दीजिएगा। उन्होंने क्या किया मध्यनाथ, आप ये बताइए ना, वहाँ भागीदारी क्यों नहीं, जब सबका साथ सबका विकास तो सब समान क्यों नहीं? देखिए AIUMM के प्रवक्ता ने सबसे पहले तो आरक्षण की बात कही, मैं उसका जवाब दे दूं, भारत का संविधान किसी प्रकार के धार्मिक आरक्षण की मान्यता नहीं देता, जो भी आरक्षण को दे रहा है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी संविधान का पालन करने वाली पार्टी है। हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? संविधान में प्रोविजन ही है। अरे देश का बंटवारा भी हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ था, क्या दोबारा वही बीज बोना चाहते हैं आप? धार्मिक आधार पर मुसलमानों ने अपना देश ले लिया, हिंदुस्तान इधर रह गया। ठीक है राजेश जी, ठीक है, समझ गए, आपने उसको जवाब दे दिया। अब जरा ये बताइए भागीदारी, आप कह रहे हैं बारिश पठान अपनी बारी में, इसकी बात नहीं है, अपनी अपनी बारी में, दो मेहमान अभी उठकर जा नहीं पाई हूँ मैं, किसको नहीं बनाना, ठीक है राजेश जी, देना है किसको नहीं देना, ये हमारा काम है, हमें जहाँ उपयुक्त लगता है, कई व्यक्ति हमारा जीतेगा वहाँ उसको टिकट देते हैं, इनको पूछने थोड़ा ना जाएंगे। मंत्री बनाने में क्या है, दिमाग से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, देश तुम्हारी मन मर्जी से नहीं चलेगा भाई साहब, देश संविधान से चलेगा, संविधान में इक्वालिटी की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, आपको इक्वालिटी से आपको देश को चलाना है। आवाज कट करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता राजेश जी, वारिस पठान दोनों लोग आप सवालों से बच रहे हैं, बस गोलमोल मत घुमाइए सर, ऐसे क्या नुक्कड़ सभा थोड़ी चल रही है सर, चर्चा चल रही है, चर्चा को चर्चा तरीके से रखिए ना राजेश जी, जो सीधा सवाल बार बार ये पूछा जा रहा है, दो बार पूछ चुके हैं अमीर जी का भी वही सवाल, बारिश पठान का भी, मैं भी वही सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आप कह रहे हैं हम अपने तरीके से तय करेंगे किसको टिकट देना है किसको टिकट नहीं देना है, लेकिन जब आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं तो क्यों नहीं बड़े पद मुस्लिम नेताओं को दिया जाता है? दानिश अंसारी मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के, स्वतंत्र प्रभार के, वो उनको नजर नहीं आएंगे, एक बार उनके लिए हमें धन्यवाद तो दें कि मुसलमान को बनाया है, तो सर इसमें सबका साथ सबका विकास कैसे है? क्या सिर्फ एक नाम गिना पाएंगे आप? अरे गिना रहे हैं ना, गिनाइए सर, है ना, उसके लिए तो इन्हें धन्यवाद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ठीक सर, चलिए मैं धन्यवाद कर रही हूँ, और गिनाइए सर, चुनाव लड़े बिना टिकट दिए बिना किसी सदन के सदस्य के, हमने उन्हें मंत्री बनाया, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अब इनको हजम नहीं हो रहा, वो अपने समाज के अंदर जाकर के भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कर रहे हैं,
इसलिए ये आपने एक नाम और है सर, और है लिस्ट में नाम, राजेश जी और नाम है क्या कि मैं आगे बढूं? आ रही हूँ अमित जी, आ रही हूँ। और नाम है? और नाम होगा तो वो भी बता दिया जाएगा आपको। अच्छा पता कर लीजिएगा सर, फिर बता दीजिएगा। परवेज अनीस का रुख कर लेती हूँ मैं। परवेज जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी सही ढंग से। आपको क्या लगता है कि पिछली सरकारें ये सरकार जो कर रही है, कब स्थिति सुधरती आपको दिखी, कुछ हम सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं? ठीक है वारिस पठान, आ रही हूँ, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ परवेज अनीस, देखिए एक शुरुआत हुई है और ये शुरुआत उस हालत में हुई है कि जहां बिल्कुल गैर भाजपाई दल जो है वो नेगेटिविटी का माहौल बना करके और सीधे तरीके से जो है वो अपने पक्ष में इन 85% पसमांदा मुस्लिम को इस्तेमाल करते और इस्तेमाल करने के बाद जो है उनको वैसे ही छोड़ देते थे। तो ये इस बार जो है हम लोग भी जो काम कर रहे हैं वो ये है कि आखिर नेगेटिविटी की क्या जरूरत है। हम लोग जो है जो हेलो जी जी जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें ये पहला अवसर है कि बीजेपी ने जो है वो 350 लगभग टिकट जो है वो इस चुनाव में, इस छोटे चुनाव में दिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं, ये शुरुआत हुई है। चाहे एक मंत्री बनाने की बात हो, अभी तारिक मंसूर साहब को जो है वो MLC बनाया गया। इसके अलावा जो है वो जम्मू कश्मीर से एक जो है वो ट्राइबल्स को जो है पसमांदा को ही जो है राज्यसभा में भेजा गया। तो ये सब हो रहा है, ये उसके बावजूद हो रहा है जब बिल्कुल नेगेटिविटी होती है कि भाई क्या करना है, भाजपा को हराना है, क्या करना है भाजपा को हराना है। तो इसकी राजनीति जो होती है उसमें पसमांदा का करीब 75 साल से जो है इनको इस्तेमाल किया गया है सिर्फ वोट बैंक के रूप में और इनको जिस जोर जबरदस्ती के साथ वोट दिया जाता है। आज पसमांदा अपनी जगह जागरूक होकर के अपने हकों की मांग कर रहा है। तो अब लोग जो है असल में लोग अफवाह में नंगे होते जा रहे हैं। ये जो सो कॉल्ड जो राजनीति हुआ करती है, जो मुस्लिम पसमांदा मुस्लिम को इस्तेमाल करते हैं, जो उनका सिर्फ वोट तक के लिए उनके दरवाजों पर जाते हैं कि अंधारी साहब क्या हाल चाल है, मंसूरी साहब क्या हाल चाल है, फलाने साहब क्या हाल चाल है, उसके बाद इस वर्ग का, ये वर्ग जो है वो देशभक्तों का वर्ग है, ये भारतीय मूल के मुसलमान है, 85% मुसलमान है, ये अपनी जगह कन्वर्ट होकर के जो मुस्लिम हुए आज इसके साथ अब कैसे क्यों, ये जो विदेशी मूल का मुस्लिम थे ये अपनी जगह पर क्यों आगे बढ़ चढ़ करके जो है वो गलत तरीके से पसमांदा मुस्लिम को कहाँ तक नीचे डाले, कहाँ तक क्या करेंगे। आखिर ये नेगेटिविटी दूर हो रही है और जब बगैर वोट के, अब आप देखिए कि रामपुर का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ, पसमांदा ने वोट किया अपनी जगह पर, क्या उसके बाद में जो है वोट देने के बाद उनके पसमांदा जो वोटर थे उनके ऊपर हमले देंगे क्या? बाकायदा जो है उन लोगों ने जो अपने आप हक समझते हैं मुस्लिम का, ये तमाम मरकज हैं, मसलक हैं दुनिया भर के, ठीक है, वो सब चीजों को इकट्ठा करके जो है वो ये लोग गलत तरीके से जो है मोटिवेट करते हैं। तो ये सब चीजों का वक्त अब चला गया, वक्त चला, ठीक है। अखिलेश यादव से भी हमने खास बातचीत की है सर, आ रही हूं मैं, उनको भी जरा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। निकाय चुनाव का महासमर शुरू हो चुका है, निकाय का नायक कौन है ये तय करने सारे ही दल उतर चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, वंदना मिश्रा जी आपके बगल में बैठी हैं, मेयर के कैंडिडेट हैं, लखनऊ मेट्रो में हैं, क्या संदेश देंगे? देखिए ये लखनऊ के लिए सबसे बेहतरीन, लोगों के लिए मेट्रो बनी, सबसे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट समाजवादी सरकार में तैयार हुआ और यही अगर काम और तेजी से होता तो आज लखनऊ में मेट्रो का जाल होता, हर कोने से लोग यहां पर चल करके जा सकते थे। केवल ये फर्स्ट फेज में जो समाजवादी सरकार में कंप्लीट हुआ था उतना ही कंप्लीट है, अगर सरकार चाहती तो पूरे लखनऊ का एक रिंग बना करके सेकंड फेज थर्ड फेज पूरा हो गया होता तो जो सड़कों पे गाड़ी चल रही है, सड़कों पे दिन प्रतिदिन जाम लग जाता है उससे बचते, ये एक सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, महिलाओं को एक सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता, एयर कंडीशन है, आपको आना जाना आसान होता, इसकी कॉस्ट भी कट डाउन होती, ये मेट्रो प्रॉफिट में भी आती। लेकिन इस सरकार ने काम नहीं किया, उसका परिणाम ये है कि जितना समाजवादी सरकार में मेट्रो का काम हुआ उतना ही हुआ है, उसके आगे सरकार ने नहीं बढ़ाया। सवाल पहला यही है कि लखनऊ के विकास के लिए जो समाजवादी पार्टी ने काम किया है
वो दिखाई दे रहा है, इसीलिए बीजेपी मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। आज जो लखनऊ में कूड़ा पड़ा है, लखनऊ में जो गंदी नालियां हैं, गलियां हैं, जिस तरह से जल भराव है या सड़कों पे जानवर हैं, ट्रैफिक का इंतजाम नहीं कर पाए, ये तमाम चीजें सरकार की देन है। और तब जब इन्होंने स्वच्छ भारत के नाम पर सेस लिया हो, झाड़ू लेकर के ये निकले हो, उसके बावजूद भी लखनऊ और शहर साफ नहीं। लगातार रैलीज कर रहे हैं, सीएम कई जगह जा रहे हैं, डिप्टी सीएम कहीं जा रहे हैं, टक्कर कितनी मान रहे निकाय चुनाव? देखिए टक्कर इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, और काम नहीं किया है इसलिए तमाम वो मुद्दे बोल रहे हैं जो शहरी आबादी के मतलब के नहीं है। आपने शहरों में ट्रैफिक जाम से क्यों नहीं निजात पाया? आपके शहरों में जानवर कैसे घूम रहे हैं? कुत्ते से लोगों की जान जा रही है। आप कूड़ा नहीं हटा पाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाए, धूल धक्कड़ इतना शहरों में कि लोगों को बीमारियां हो रही हैं, पीने का पानी नहीं दे पाए हैं, तो आखिर आपने क्या सुविधाएं दी हैं? और स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल स्मार्ट सिटी है, नाम है केवल, लेकिन उसमें जो काम होने थे वो काम नहीं किए सरकार ने। सीएम ने तंज कसा, आपने कहा छोटा चुनाव है, सीएम ने कहा बड़ा चुनाव है, इसको कैसे देखें? देखिए सीएम लोग भी सर, देखिए मेट्रो में आ रहे हैं अखिलेश यादव से मिलने के लिए, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर वंदना मिश्रा है, और ये देख सकते हैं अखिलेश यादव यहाँ। राजेश चौधरी जी, सीधे तौर पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बुनियादी चीजें हैं जिन पर गौर करना चाहिए था राज्य के स्तर पर, छोटे छोटे शहरों के स्तर पर, वो नहीं हुआ और इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर तुष्टिकरण करने में लगे हैं बस। देखिए अखिलेश यादव जी को ये भी बताना चाहिए कि 2017 में जब मुख्यमंत्री से वो हटे, उस समय यदि महानगरों की रैंकिंग पूरे देश की देखी जाए तो 67 नंबर से शुरू होता था उत्तर प्रदेश का कोई भी महानगर, और यदि आज हम बात करेंगे रैंकिंग की पूरे देश में तो टॉप 10 में 4 तो उत्तर प्रदेश के महानगर हैं। हमने काम किया है, सफाई व्यवस्था किया, घर घर कूड़ा हटाने का काम कर रहे हैं, जगह जगह वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट लगाए जा रहे हैं, नाली की व्यवस्था की है, सीवेज की व्यवस्था की है। आज देखोगे हर शहर दूधिया रोशनी से नहाया हुआ होता है, रात में जाकर के देखेंगे तो मथुरा वृंदावन से आता हूँ कायाकल्प हो गया है पूरा, एकदम ब्रज को ब्रज लगता है। बनारस की स्थिति देखिए, अयोध्या की स्थिति देखिए, प्रयागराज की स्थिति देखिए, आप आकर के ये तो बर्बाद करके गए थे अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, मेट्रो में बैठ गए और उस मेट्रो को भी पूरा नहीं करके गए थे, उसी को बना करके चले जाते, हमने आकर के उसे पूरा किया, कर्ज में डुबो करके उत्तर प्रदेश को चले गए थे। अपनी नाकामियों को छुपा करके ये सब बातें करते। और मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, आप 13 मई को रिजल्ट देखना, ये कहीं ढूंढे नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता 17 के 17 महानगर भारतीय जनता पार्टी के मेयर जिताएगी। चलिए ठीक है सर, रहिए, अमित जी आ रही हूँ, वारिस पठान भी कुछ कहना चाह रहे हैं, विशाल मिश्रा का मैं एक बार रिएक्शन ले लेना चाह रही हूँ, अभी तक मैं जा नहीं पाई। विशाल मिश्रा जी देखिए अर्पिता जी, ये जहां तक टिकट देने की बात हो रही है तो हुआ क्या कि एक्चुअली सारी विपक्षी पार्टियों ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है और मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, और इन्होंने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक डर का माहौल बनाया और उसी डर के नाम पर लगातार वोट तो लेते रहे, तुष्टिकरण की राजनीति तो करते रहे लेकिन तृप्तिकरण नहीं किया। सवाल करते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि किसको टिकट दिया है, नगर महापंचायत के चुनाव में दिया है, मानवर क्या लोकतांत्रिक प्रणाली में जब आपको मालूम है कि हमारे यहाँ 3-tier सिस्टम है तो क्या नगर पालिका और नगर पंचायत के स्तर का चुनाव चुनाव नहीं है, आप उसको चुनाव नहीं मानते? और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार थी, चलिए AIMIM के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, आपने कौन सा मुस्लिमों जो है समाज के लिए, पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए आप कौन सी योजनाएं लेकर आए? और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आप मुझे बताइए, नया सवेरा स्कीम, मदरसों के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम, कमाल ये सब पुरानी स्कीमें हैं यार, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए मैं आपके बीच में नहीं बोला तो आप सुन लीजिए तथ्यों को, नई रोशनी की स्कीम, नए सवेरा की स्कीम, हमारी धरोहर की स्कीम, आप मुझे बताइए आपके समय, उनको बोल लेने दीजिए, आपके सरकार के कार्यकाल के समय मुस्लिम लड़कियों की बच्चियों के स्कूल ड्रॉप आउट का रेट, स्कूल ड्रॉप आउट का रेट कितना था? 70%, आज वो घट के 30% रह गया है। क्यों? ये जो स्कीम है, अरे मान्यवर ये जो स्कीम है, इन स्कीमों के तहत आप हमको बताइए, आज 98,000 महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट दिया गया, आप ठीक है अपनी बारी में, अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने
1506 मदरसाओं के मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 30.5 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। आपसे जानना चाहता हूँ क्या होता है कि जब हम यहाँ उत्तर प्रदेश की या कहीं कर भी बात करते हैं, विपक्षी दल की बात करते हैं, तो ये सीधे तौर पर मानते हैं कि स्वीकार तो बीजेपी को किया जा रहा है हर जगह पर, जिसकी स्वीकारता है जनता उनके कामों को स्वीकार कर रही होगी इसलिए चुनाव जिता रही है चुनाव दर चुनाव। मैं जरा ये समझना चाहती हूँ कि 187 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने पिछली बार उतारे थे जिसमें से सिर्फ दो जीते थे, अगर इतना ही विकास आप जो गिना रहे हैं, अगर इतना ही विकास हुआ तो सिर्फ दो सीटें क्यों आई? सुन लीजिए अर्पिता जी एक बात और, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है 9.8% मुस्लिमों को पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, सुन लिया सर। इसके पहले की सरकार में कितने प्रतिशत लोगों को पद्मश्री दिया गया था, पूछिए इनसे। सर सब चीजें चुनाव में जो रिजल्ट आते हैं तय हो जाते हैं कि जज ये गिनाने से नहीं होगा कि जनता के लिए कितना किया, जनता को लगेगा कि मेरे लिए हुआ है तो वो वोट के तौर पर सामने रखेंगे। 187 में सिर्फ दो क्यों? चुनाव जीतने की तो ये कई सारे फैक्टर निर्धारित करते हैं कि कौन चुनाव जीत पाएगा कौन नहीं जीत पाएगा। अर्पिता जी मैं बोलना चाहूंगा जल्दी से, ठीक है जल्दी से, ठीक है जल्दी से, समय की कमी है। झूठ पूरा झूठ फैलाया जा रहा है अर्पिता जी कि हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, भाजपा की तरफ से सबसे बड़ा झूठी है तुष्टिकरण की राजनीति करते करते ये 200-350 क्रॉस कर गए ना, तुष्टिकरण नहीं होता तो क्या होता, फिर से आ गई इशू पोलराइजेशन का, मेजोरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने पे आ गए, कायदे कानून की तो बात है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं मैं, देखिए मैं खामोशी से बैठा था, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, केवल धर्म जाति स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार, मैं इसके पीछे नहीं बोला, कौन बोल रहा है पीछे, समय की कमी है, तू तू मैं, समय निकल जाता है और जो मुद्दे की बात हो जाती है वो कई बार छूट जाती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या जो चुनाव के रिजल्ट आते स्वीकारता उसी के साथ है, या जैसा विशाल मिश्रा कह रहे हैं कि अलग अलग तय हो जाती है जब आप जीतते हैं तो अलग अलग मुद्दे। यूपी स्थानीय निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पर मुसलमानों को टिकट देकर बीजेपी 2024 के लिए चुनावी प्रयोग कर रही है, ये था आज का सवाल। और इसका जवाब क्या मिला? 53% लोग हां में जवाब दे रहे हैं और 47% लोग ना में जवाब दे रहे हैं, यानी 53% लोगों को लगता है कि ये वाकई प्रयोग है 2024 की पिच पर अभी से खेलने की कोशिश, और 47% लोगों को ऐसा नहीं लगता। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, देखते रहिए आज तक। We'll be right back.